क्या खत्म हो गया बॉलीवुड? जी हाँ दोस्तों, खांस का नहीं रहा आप कोई चांस, क्योंकि बॉलीवुड को नाको तले चने चबवा दिए हैं साउथ इंडियन सिनेमा ने। देश का नंबर एक न्यूज चैनल फ्लाइंग न्यूज से मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ अपने पैनल एक्सपर्ट्स के साथ, जो इसी बात पे आज लड़ाई करेंगे। See, the thing with Bollywood is that the way how articulate the artist for them, that charisma of unabashed reality which is beautifully present in a puzzled patriotic society. So basically, it's. अरे इंग्लिश तो आप सरपट सरपट बोल लेती हैं, थोड़ा संस्कृत और संस्कृति सीखी होती तो आज हिंदी सिनेमा का ये हाल ना होता। वो तुम्हें क्या लगता है मुझे संस्कृत नहीं आती? पढ़ती पढ़त वहाँ नहीं आती, but intellectuals only get it when it's in English. हाँ बिल्कुल, हमारी ये पिक्चरों का हाल तो आपके बॉयकॉट की वजह से हुआ है ना। अरे भाई कहाँ कहाँ से लाते हो बेकार के लॉजिक, लाल सिंह चड्डा पर पैसे लगाए थे, चड्डी तक बिक गई, शेयरिंग ऑटो पे आऊँ मैं यहाँ पे आज। चिल्लाओ और चिल्लाओ, जिसमे सबसे ज्यादा मीम बनेंगे उसको सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे, और चिल्लाओ। यही हाल होगा तुम लोग का जब तक तुम लोग मुगलों को और आतंकियों को फिल्मों में अच्छा दिखाते रहोगे। ये अच्छा तरीका है तुम्हारा पॉलिटिक्स चमकाने का? अरे कश्मीर फाइल्स भी तो लोग देखने गए थे, हमारी पिक्चरों में क्या खराबी है? अरे प्रोड्यूसर साहब वो सब रीमेक थी, राइटर्स के लिए तो आपके पास चवन्नी भी नहीं होती ढीली करने के लिए। जब चवन्नी बंद हो चुकी है तो ये औरत उसकी बात क्यों कर रही है? घटिया दो कौड़ी की बकवास क्रिटिक कहेंगी। साले यूजलेस, तू जानता क्या है सिनेमा के बारे में और मुझे दो कौड़ी की कह रहा है? अरे गाली कैसे दी, अभी जूता खींच के मारूंगा। ऐसी नीच बातें होगी मेरे चैनल पे, माइक बंद करो इसका। इतने चैनल पर जाते हो डिबेट करने, अब तक अकल नहीं आई? आप ही तो बोले थे बाहर की आज कंटेंट थोड़ा नीच रखना है। अरे नीच नहीं, नीच बोला था। और मैडम आप, जब आपने शमशेरा को 5 स्टार दिया था मैं तभी समझ गया था कि आप दो कौड़ी की क्रिटिक है, इसलिए चुप रहिए आप। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक स्टिंग ऑपरेशन जिसमें बॉलीवुड के प्रोड्यूसर की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। चलो बे। ये कैसे स्क्रिप्ट लिखी है तूने? इसमें तो देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाया है। सर है, 5वें पेज पे देखिए। दरगाह की सीन लिख दी तूने? हम बॉलीवुड वाले हैं, इन लोगों का मजाक नहीं उड़ाते हम। जा देवी देवता पे कुछ लिख के आ, निकल यहाँ से। तो देखा दोस्तों आपने हमारा स्टिंग ऑपरेशन, अपनी जान पे खेल के बनाया इसे हमने। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इस स्टिंग ऑपरेशन में दिखाए गए प्रोड्यूसर और कोई नहीं बल्कि हमारे डिबेट में मौजूद रोनी नटवरवाला है। मैं अरे देखो तो सही वीडियो के अंदर वो आदमी पतला छोटा और मैं। अच्छा तो आप कहना चाहते हैं कि स्टिंग ऑपरेशन फेक है, मैं झूठा हूँ, मैं आपकी जगह बैठ के वहाँ पे एक्टिंग कर रहा था, ये चैनल झूठा है, ये देश झूठा है, आप यही कहना चाहते हैं? यही बिल्कुल यही है, मुझे पूरा भरोसा है आप पे, एकदम साफ मुझे भी यही आदमी लग रहा है। सर मैं चुप, मेरी एकदम चुप, चुप चुप चुप। दोस्तों हमारे स्टूडियो में ज्वाइन करने वाले हैं दो स्टार किड, एक साउथ इंडिया से स्टाइलिश स्टार लल्लू अर्जुन और दूसरी बॉलीवुड से सुकन्या पांडे। अरे हटाओ यार, पान नहीं मंगाया है, सुकन्या पांडे को ज्वाइन कराओ कोई। वड़कम वड़कम वड़कम। देखा देखा मेरा टैलेंट, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में तब जाके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। हाँ तो पुष्पा भाऊ आप क्या सोचते हैं बॉलीवुड बॉयकॉट ट्रेंड पे? मुझे अभी एक बहुत बड़े गुटखा ब्रांड से पैसे ऑफर हुए, बहुत ज्यादा पैसे, तकरीबन 2000 रुपए, पर मैंने वो रिटर्न कर दिए क्योंकि मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जिससे हमारे यूथ का नुकसान हो। नमन है ऐसे अभिनेता को, अभी ये न्यूज व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ, फोन कहाँ है मेरा? मेरा मानना है कि हम फिल्म स्टार्स को धोती पहनने चाहिए, नंगे पांव जनता के बीच जाना चाहिए क्योंकि ये हमारे कल्चर के लिए जरूरी है, हमें इस पे बात करनी चाहिए, इस पे फिल्में बनानी चाहिए, यही तो बॉलीवुड पीछे रह रहा है। वाह लल्लू अर्जुन जी वाह, एक बात किसी ने सही कही है कि इंडियन कल्चर को कोई सही से प्रमोट करता है तो वो आप साउथ इंडियन एक्टर्स और कोई नहीं करता है। हाँ तो हम लोग भी अपनी पिक्चरों में ये कल्चर वल्चर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे स्टार किड्स कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग देख ही रहे हैं। हाँ और आलिया दी तो प्रमोशन के लिए प्रेग्नेंट भी हो गई थी। अरे ओ बेवकूफ, माल फूक क्या ये क्या? कौवा जितना भी नहा ले बगुला नहीं बन सकता, जितना चूतिया बनाना था बना लिया, अब कोई अगला नहीं बन सकता। दोस्तों ताजा खबर आ रही है, बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म रिलीज हुई है जिसे कोई देखने नहीं जा रहा है, एकदम बकवास फिल्म बनाई है, मैं बिना देखे आपको बता रहा हूँ। आइए ग्राउंड रिपोर्ट पे जुड़ते हैं जामुन के साथ। जामुन। धन्यवाद सुधीर, मैं जामुन पहुंच चुका हूं इस वक्त ऐसे सबसे बड़े सिनेमा हॉल के बाहर जहां लगी है वो घटिया फिल्म जनता जल्द ही आने वाली होगी। आइए बात करते हैं उनसे, कैसे लगी उन्हें फिल्म? यहां चुके आ गए भाई साहब, कैसे लगी आपको ये फिल्म बताइए बताइए, जनता जानना चाहती है। फिल्म जो है ना एकदम मतलब बहुत। देखा दर्शकों जनता ने फिल्म को सिरे से खारिज कर दिया, इनसे 2 मिनट ना झेली गई वो फिल्म, वो निकल आए आदि पिक्चर छोड़ के, इनकी आंखों से खून की आंसू निकल रहे, देखिए।
साले यहाँ से फिल्म देखकर नहीं आ रहे, ये तेरी रिपोर्टिंग देखकर आ रहे हैं जो तू घुमा घुमा के बात कर रहा है। सुना सुधीर, आपने सुना, इनका कहना है कि बॉलीवुड कैसे पिछले हजारों सालों का हमारे इतिहास को घुमा फिरा कर दिखा रहा है। अरे मैंने बोला ही नहीं है ऐसा। तूने कहा तुझे पता नहीं, पर मुझे गर्व है इस बात का कि तूने लाइव टीवी पे आकर के सीना ठोक के ये बात कहा। शाबाश शाबाश मेरे भाइयों, शाबाश। वाह जामुन वाह, मस्त फसायो यार, मस्त फसायो। एक काम करो, आमिर खान को पाकिस्तान भेजो। भेजो जी सुधीर। आमिर के सरफरोश में आतंकवादी कहाँ से आए थे? पाकिस्तान से। हाँ सही कह रहा है। फना में आमिर खान क्या बने थे? पाकिस्तानी टेररिस्ट। हाँ सही कह रहा है, पाकिस्तानी टेररिस्ट। जनता ने कहा आमिर खान एक पाकिस्तानी टेररिस्ट है। जी हाँ दर्शकों, जनता जाग चुकी है, उन्हें आमिर का असली चेहरा दिख चुका है और देश का मीडिया बिक चुका है। वाह यार, एकदम मजा लगा दिया, आज तो मेरा दिल खुश हो गया भाई। एक काम करो, बॉलीवुड में सेक्स के ऊपर बोलो, सेक्स के ऊपर। बॉलीवुड में सेक्स हो रहा है, दिन रात सिर्फ सेक्स हो रहा है बॉलीवुड में। अरे ये आदमी पागल है। सुनो सुनो, ड्रग्स ड्रग्स बॉलीवुड में ड्रग्स लिया जाता है, शूट के नाम पे ड्रग्स लेते हैं, पार्टी में ड्रग्स लिया जा रहा है। प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट बॉलीवुड में प्रेग्नेंट करके छोड़ दे रहा है लड़कियों को, लड़कियों से हीरो हीरोइन अफेयर करते हैं, उन्हें प्रेग्नेंट कर देते हैं, बच्चे पैदा कर, नाजायज बच्चे पैदा हो रहे हैं बॉलीवुड में। अफेयर 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 चल रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, नाजायज बच्चे अब बनेंगे हमारे फ्यूचर के सुपरस्टार। क्या आप ऐसे लोगों की फिल्में देखना चाहते हैं? मैं कहता हूं बॉलीवुड को बॉयकॉट करो, खत्म कर दो बॉलीवुड को। मैं बॉलीवुड को उतना ही नीचे गिरा दो जितना नीचे मैं यहाँ गिर चुका हूँ। गिरा दो बॉलीवुड को, खत्म कर दो। वाह जामुन वाह, क्या गिरे हैं आप एकदम बॉलीवुड की तरफ, मजा लगा दिया। भारत माता की जय बोलिए। भारत माता की जय। वाह मजा आ गया, मजा आ गया यार। बउआ चलो खाना खाओ। अरे आ रहे मम्मी, बस 20 मिनट में खत्म हो रहा है। अरे ये लल्लू अर्जुन कनपुरिया किसे बोल रहा है? अरे डब डब को हटा रही है, डब चलाओ यार। अबे ये लल्लू अर्जुन असली नहीं है क्या? अरे असली तो मैं भी नहीं हूँ, वो तो मैं अपने नाक से जीभ छुआ लेती हूँ ना, इसलिए बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए ये मुझे 15,000 में ले आए। 15,000? अरे हमको 5,000 बोला है भाई, ये क्या धाना गति चालू है? अरे तू कलुआ है ना, इसलिए तुझे कम मिले हैं, कलूटों को यहाँ पैसे कम मिलते हैं। वाह 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 वाह, बड़े कल्चर की बातें करते थे ना, अपनी सोच देखो पहले, ब्लडी रेसिस्ट। हाँ, खुद तो एक्टर का रंग देख के तुम लोग कास्टिंग डिसाइड करते हो और मुझको रेसिज्म सिखा रहे हो। अच्छा और लड़ो और लड़ो, तेज़ लड़ो, टीआरपी बढ़ रही, लड़ो लड़ो। ए काला किसको बोलता है, एक दिन ओटीटी पे चमकूंगा तब पता चलेगा, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। मेरे साथ कोलैब कर लेना फिर। अबे चल स्ट्रगलर साले, हीरो हीरोइन तो सिर्फ हमारे बच्चे ही बनते हैं ना। अरे बड़े बन रहे हैं तेरे बच्चे, देख ले सारी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। खत्म कर दूंगा बॉलीवुड को मैं, ट्रेंड चला चला के सर्वनाश कर देंगे हम इसका। हां तेरे बस की है तो करके दिखाना। अरे सेल्फिश लोगों, उन टेक्नीशियन और गरीबों के बारे में सोचो जो रोज फिल्मों में काम करते हैं, उनका रोजगार कैसे चलेगा? बिल्कुल मेरे कैसे चलेगा? तुम देखो फिर से मेरी बात काट रही हो, अभी इस मोटे को उठा तो ऊपर फेंक दूंगा। ए मोटे किसको बोला? मोटे किसको बोला? तेरे मेरे को खत्म है, अपनी बात कर खत्म, तुझे सारा मुंह तोड़ दूंगा, तेरी बॉलीवुड खत्म कर दियो। अरे चल चल, क्या बोल रहा है? मेरे को नहीं समझ आ रहा। और चलो, हां सुनो, वो जो बेरोजगारी और पेट्रोल के दाम पे शो था ना, उसे कैंसिल कर दो, इसमें बहुत अच्छा मसाला मिल रहा है। हाँ और सुनो, एड्स क्रेडिट डबल कर दो, पैसा ही पैसा होगा ये। अरे जा जा, क्या बोल रहा है? मैंने आगे दो। हाँ हाँ, इंग्लिश बोलो